जो हमारे बच्चे व्हाट्सएप और यूट्यूब चलाते हैं, वह बच्चे अपने आप को समझने के जरूरतन मोबाइल का इस्तेमाल करें। ज्यादा उससे अटैच रखेंगे तो शख्सियत तुम्हारी जलकर राख हो जाएगी, तुम्हारी आंख की बिनाई जाएगी। मोबाइल आंख से चार्ज होता है और आंख की खासियत है जला देना। अगर आंख को कंट्रोल में रखोगे तो आंख पे खाना बनाओ, आंख पे अपनी फैक्ट्री चलाओ, आंख पे अपने घर के साजो सामान तैयार करो, आंख को कंट्रोल में रख के कपड़ों को प्रेस करो। लेकिन ये आंख तुम पर खाली आ गई तो तुम्हारे घर को जला कर राख कर देगी, तेरे फैक्ट्री जल जाएगी, तेरा वजूद जल जाएगा। इसलिए मोबाइल आंख से चार्ज होता है, इसको बस में रखो यानी कंट्रोल में रखो, हमेशा उसके साथ चिपके हुए मत रहो। जरूरतन इस्तेमाल करो, फोन आए फोन जाए, और कभी कभी उसके डाटा ऑन करो और कभी अच्छी चीजों को देख लिया करो, और खराब चीजों को ना देखने की कसम खा लो। फजूल चीजों को भी मत देखो, उससे दिल में नफाक पैदा होता है, और फजूल चीजों को देखते देखते हराम चीजों की तरफ दिल और दिमाग माइल हो जाता है। जो बजाहिर इधर उधर का वीडियो फोटो देखता है और देखते देखते गंदी चीजों पर नजर पड़ गई, उसका वो रसिया बन जाता है। अब चाहे वह हिजड़ा हो जाए, नामर्द हो जाए, यह लत नहीं छूटती। जिस तरह शराब पीने की लत लग जाती है, उसी तरह गंदी तस्वीरों को देखने की लत लग जाती है, मोबाइल चलाने की लत लग जाती है। लोग रात के 3-3 बजे तक जाकर मोबाइल चलाते हैं। कंट्रोल में रख, नींद की कमी की बीमारी आजकल फैल गई है, पागलपन की बीमारी चल रही है। मोबाइल को कंट्रोल में रख, उसका इस्तेमाल कम किया कर, रात में अपने बिस्तर से उसको अलग रखा कर, और अपने करीब मत रख, वरना नींद नहीं आएगी, ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए ज्यादातर वह गेम का इस्तेमाल मत कर, अपने बच्चों को के हाथ में मोबाइल मत थमा। हमारी बहुत सारी माँ बहन बेटियां काम कर से बचने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया। अब वह छोटा सा बच्चा है, 4 साल 3 साल 2 साल 1 साल का, अब वह मोबाइल में गेम खेल रहा है और माँ अपने काम में लगी हुई है, माँ वीडियो गेम देख, माँ अलग अब मोबाइल चला रही है, बच्चा अलग मोबाइल चला रहा है। ये 1 साल का बच्चा जो मोबाइल में गेम चलाएगा, ये बताएं कि उस बच्चे की बिनाई का क्या हाल होगा, उस बच्चे के दिमाग का क्या हाल होगा। लोग अपने बच्चों को अपने हाथ से तबाह करें, वह डाइन है वह माँ जो अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रही है, कातिल है वह माँ जो बच्चों की शख्सियत को कत्ल करने पे आमादा है, जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रही है। उसे गेम फेम से कुछ नहीं होगा, वह गेम से बच्चों का मजाज बिगड़ेगा, कार्टून से बच्चों का मजाज बिगड़ेगा। वो आजकल दुनिया के चंद शरीर किस्म के दानिश्वरों का ख्याल है कि कार्टून से बच्चों की अक्ल खुलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिन लोगों ने कार्टून देखा, जिन लोगों ने गेम खेला, वही बैंक को लूट रहे हैं, वही डीएम बनने के बाद साहब गवर्नमेंट के खजाने को लूट रहे हैं, वही एसपी बनने के बाद दूसरों के केसेस को कोर्ट में नहीं जाने देते और उनके पैसे से अपनी कोठी सजा रहे हैं। 1 महीना पहले हमारे बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में रेड हुआ और साहब एसपी के घर से लाखों करोड़ों रुपए मिले, वो पैसे कहां से लाते, उसकी तनख्वाह है 2 लाख रुपए महाना, ये रुपए कहां से आ गए। यानी केस हुआ, उस केस को कचहरी नहीं जाने देना है, उसको निपटा लेना है। मर्डर क्यों ना करे, कुछ भी क्यों ना करे, 2-4 10 पेटी यहां पैसा लाओ और सारा काम खत्म है। आईएएस ऑफिस आईपीएस ऑफिसर है ये साहब, डीएम है ये मिनिस्टर है ये, और ये बचपन में कार्टून देख करके ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं या गेम खेल खेल करके ब्रेन इसका चौड़ा हो गया है, ये बड़ा मिनिस्टर बने हैं और ये गवर्नमेंट के खजाने को लूट रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। जो गेम और कार्टून से बच्चों की तरबियत करेगा, इसी तरह से बच्चा डकैत और लुटेरा पैदा होगा, और बचपन से जो दुरूद और कलमा से जिसकी नमाइश नशोनमा होगी, जिसकी माँ कलमा सुना सुना के, बुजुर्गों की कहानी सुना सुना के, सरकारे दो जहां की सीरत सुना सुना के बच्चों को लोरियो दे के बच्चों को सुलाएगी, उनकी गुट्टी में इस्लाम पिलाएगी, उसका बेटा चाहे किराए के घर में क्यों ना रहे, वह बेटा कभी डकैत नहीं होगा, हिंदुस्तान के खजाने को नहीं लूटेगा, वो ऐसा होगा औरंगजेब बना हुआ 50 साल हुकूमत करने के बाद हिंदुस्तान के खजाने के पैसे से अपना कफन नहीं लेगा, वह टोपी सिलकर कुरान पाक की किताबत करके वो अपने कफन दफन का पैसा सेफ रखेगा कि हिंदुस्तान का बाताज बादशाह 50 साल शासन करने वाला कहता है मैंने अपने हाथ की कमाई से जो पैसे जमा किए हैं उससे मेरी कब्र खुदवाना, उससे मेरे कफन को खरीदना, हिंदुस्तान के खजाने का गलत इस्तेमाल मत करना। औरंगजेब को बुरा कहने वाला अपने डकैत भाइयों को देख ले, अपने चोर भाइयों को देख ले, हिंदुस्तान के खजाने के लुटेरों को देख ले, तब औरंगजेब को बुरा कहना। जो 50 साल शासन करने के बाद कफन का कपड़ा कफन का पैसा वो अपने हाथ से किताबत करके टोपी सिल के रखा हो और अपनी कब्र की खुदाई के लिए वो पैसा अपने हाथ की कमाई कर रखा हो, अपनी कब्र पे गुंबद बनाने छत देने पर पाबंदी लगा कि वो
वसीयत करके गया हो कि मेरी कब्र पे ऊपर छत न दिए जाए, गुंबद न बनाए जाए, मेरी कब्र की तामीर में हिंदुस्तान के खजाने का पैसा इस्तेमाल न हो, उनको बुरा कहा जा रहा है, चोर और डकैतों को देशभक्त कहा जा रहा है। इसी तरह से अगर हाल होता रहा, हिंदुस्तान फिर दोबारा अंग्रेजों की गुलामी में चला जाएगा, फिर हिंदुस्तान की आजादी के लिए तरस जाएगा। हिंदुस्तान की आजादी की कदर कर, अगर आजादी मिली है तो हिंदुस्तान के सारे शहरी को इज्जत की निगाह से देख, वरना जब अल्लाह के कहर को जलाल आएगा तो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अंग्रेजों को भगाना जानता है, फिर वह तुम्हारी आजादी छीन कर तुम्हें गुलाम बनाना भी जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर से डरा कर, अपने भाई की इज्जत किया कर, इस आजादी का गलत इस्तेमाल मत कर, और यह घमंड और गुरूर मत चला कि मेरा है, मेरा दिन आ गया है। ऐसा नहीं होता है। अल्लाह जब सजा देना जानता है तो एक मिनट का जलजला सारे मुल्क को जमीन में धंसा देता है। अल्लाह जब अल्लाह का कहर जब जोश पे आता है तो समंदर के किनारे सुबह सवेरे टहलने वाले लाखों आदमी को सुनामी का तूफान एक झटके में समंदर की मौजों में गुम कर देता है। इसलिए हमेशा अल्लाह से डरना, और जो अल्लाह की बात बोलता हो, जो अल्लाह की इबादत करता हो, जो मस्जिदों मदरसों को आबाद करता हो, जो अपने लोगों को जना शराब सूद से बचने का पैगाम देता हो, जो अपने मदरसे के बच्चों को हराम और हलाल की तमीज पैदा करता हो, ये करना ये मत करना, ये जायज है ये नाजायज है, ये हराम है ये हलाल है, ये राइट है ये रॉन्ग है, जिसकी गुट्टी में मदरसे में पिलाया जाता है उसको ये बेईमान आतंकवादी का अड्डा कहते हैं, जहां हराम और हलाल की तमीज सिखाई जाती है, जहां से बच्चे शरीफ और नमाजी बनके पैदा होते हैं, जब मदरसों की तादाद बढ़ेगी तो डकैतों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, और वर नहीं तो उस स्कूल और कॉलेज की दरसगाहों के जो असरात हैं वह देख सकते हैं, किस कदर मिनिस्टर की सूरत में लुटेरे, आईएएस ऑफिसर की सूरत में लुटेरे नजर आते हैं। मजहब इस्लाम के मानने वालों का दायित्व बनता है वो अपने बाल बच्चों की गुट्टी में इस्लाम पिलाए, सरकार दो जहां की सीरत का मुताला करे। हुजूर जब निगाहों के सामने रहेंगे तो दुनिया का भूत दिमाग पे नहीं चढ़ेगा, सरकार दो जहां की सादगी को देखकर अपने हर काम में सादगी का जज्बा पैदा होगा। आज शादी ब्याह में पेचीदगी ने मुझको मुश्किल बना दिया, जना आसान है शादी मुश्किल है, मकान में इस कदर पेचीदगी मैंने बना दी, साहब दीवार और छत पहले काफी होती थी, मगर आज दीवार और छत में अगर 2 करोड़ लगते हैं तो 10 करोड़ रुपए उसके डेकोरेशन में लगते हैं, अब फॉल्स सीलिंग है, पीओपी है, और साहब इंटीरियर डेकोरेशन है, मकान ही बनाने में जिंदगी की सारी एनर्जी को निचोड़ दिया गया। अब जब जिंदगी में आगे आमदनी बंद हुई तो अब आदमी की लाइफ टफ हुई तो जहर खा के मर जाना है। क्यों मकान को तुमने पेचीदा बनाया, सिंपल क्यों नहीं बनाया? शादी में 10 लाख रुपए खर्च हुए कर्ज लेकर, जब बाद में कर्ज अदायगी की कोई सूरत नजर नहीं आई तो अब जहर खा के मर रहे हैं, आए दिन खुदकुशी के वारदात बढ़ रहे हैं। तुमने शादी को मुश्किल बनाया, तुमने अपने घर में खान पान को मुश्किल बनाया, दूसरों का मुकाबला करते हुए अपने घर को सामानों का जंगल बनाया, तुमने अपनी जिंदगी को टफ बनाया, और अब बोलता है मौलाना इज्जत बचाना मुश्किल है, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, लाइफ बहुत मुश्किल काम है, जीना बहुत मुश्किल काम है। हुजूर ने जिंदगी को सिंपल बनाया था, आसान बनाया था, ताकि शान से जिंदा रह सको। जब आज शादी ब्याह खतना अकीका हर मैटर में पेचीदगी दाखिल हुई, कपड़े खरीदारी में पेचीदगी, मकान की तामीर में पेचीदगी, शादी ब्याह में पेचीदगी, तो लोग आप तनाव में आ गए, ब्लड प्रेशर हाई होने लगा, शादी बेटी की होगी उसके बाद फिर और 10 गम सर पे चढ़ गया, मकान बनने के बाद फिर नया गम सर पे आ गया, अब आखिर में जहर खा के मर गया। 16 साल का छोकरा जहर खा रहा है, 30 साल का जवान जहर खा के मर रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और आज अमेरिका में जब बच्चे हाथ से निकलने लगे तब कहते हैं कि सिंपलिसिटी को जिंदगी का पार्ट बनाइए, जब चाइना जापान में बच्चे जहर के आदि हो गए कहते हैं सिंपलिसिटी को जिंदगी का पार्ट बनाइए, फिर ज्यादा बहुत बड़ा एम मत दिमाग पे छा लीजिए, सवार कर लीजिए, नौकरी नहीं मिली तो जहर खा के मर जाए, खूबसूरत लड़की नहीं मिली तो जहर खा के मर जाए, वो लड़की नहीं मिली तो जहर खा के मर जाए, मोहब्बत और प्यार में जहर खा के मर जाना, और जिसको तुमने प्यार किया था उसी के 30 टुकड़े काट के गटर में फेंक देना। माँ बहन बेटियां अपनी बच्चों को समझाएं कि श्रद्धा नामी लड़की से आफताब ने पूरा वाले ने प्यार किया, जब प्यार किया तो शादी कर ले उससे, शादी नहीं किया तो फिर क्या रिजल्ट निकला? जब शादी के बगैर लिविन में रहते उसकी सारी लज्जतों को जब उस जिंदगी को निचोड़ दिया उन्होंने और देखा
लड़का किसकी जबान खराब है या जिद्दी है तो अब एक रास्ता निकल गया कि अब इसको काट ही दें तब छुटकारा मिल सकता है, वरना यह शादी किए बगैर मानेगी नहीं। वह शादी के लिए दबाव बनाने लगी, यह सोचा यह जिद्दी को सारी जिंदगी कैसे मैं झेलूं, और अब तक लिविंग में रह के मजा ले रहा था, अब एक रास्ता नजर आया कि बड़ा सा फ्रिज कटर खरीद के लाऊं और उसमें इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके मैं इसको इसमें फ्रिज में जमाऊं और फिर धीरे धीरे इसकी लाश को बाहर जाके मैं फेंक दूं ताकि पता भी नहीं चलेगा। इस बुरी तरह फंसा पूरे हिंदुस्तान के लोगों का सर नीचा कर दिया। जो लड़कियां माँ बाप की नाफरमानी करके इस तरह से बगैर शादी के अजनबी मर्दों के साथ भागेंगी, 8 लाख लड़कियां मुसलमानों की गैरों के साथ भागने वाली, या तो वह जहर खा के मर रही हैं, या दुबई में होटल में लोगों की जीनत बन रही हैं, या तवायफ के कोठे पे जाके वो अपनी जिंदगी को तवायफ के किरदार में वो गुजार रही हैं, इसलिए कि अब वो घर वापस आ नहीं सकती, क्योंकि लड़के ने सब्ज बाग दिखलाया था, मेरे साथ चलो दुबई, वहां मैं तुमसे शादी कर लूंगा, वहां 2-4 महीने रह के निचोड़ लिया, उसके बाद उसको होटल में 10-20 लाख में बेच दिया, अब वह सारी जिंदगी उसी होटल में कोठे पे रहे और हर आने वाले गेस्ट के बिस्तर की वजीनत बनी रहे, और उसी से ज्यादा तंग आ जाए तो जहर खा के मर जाए, और जब बूढ़ी हो जाए होटल में रहने के काबिल ना हो तो अजमेर की दरगाहों में आके सड़क पे जाके बैठ जाए, और दूसरी दरगाहों में बैठ जाए, घर वापस कैसे जाए।